तो चलिए गाइस, लेकर आ गए आपके लिए फिर से के स्मार्ट वॉच। और ये जो स्मार्ट वॉच है ये 5 वोल्ट की तरफ से जस्ट लॉन्च हुआ है, निंजा 2 होने वाला है। और इसका जो प्राइस है ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, 1600 रुपये में आपको देखने को मिल जाएगा। इससे पहले जो मैं स्मार्ट वॉच का रिव्यू किया था 2000, 2500, 3000 तक का भी किया हूँ हाल में, तो ये सारा फंक्शन वगैरह इसमें भी सेम ही दिया गया है। 30 स्पोर्ट्स मोड होने वाला है, SPO 2 है, हार्ट रेट है, स्मार्ट नोटिफिकेशन हो गया, 1.3 इंच का HD डिस्प्ले दिया गया है, बैटरी वगैरह भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो अब ऐसा क्या है जो इस स्मार्ट वॉच का प्राइस काफ़ी कम है और दिखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। सारा जी बताएंगे कि ये स्मार्ट वॉच सच में 1600 रुपये में आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं, एक क्विक अनबॉक्सिंग कर लेते हैं यहाँ पे। और गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके यार वीडियो देखो और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप आ सके। तो देख लेते हैं कैसा होता है ये स्मार्ट वॉच, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, ये है ब्रांड न्यू 5 वोल्ट निंजा 2 का बॉक्स और देख सकते हो ऊपर की तरफ कुछ इस तरह का स्मार्ट वॉच होने वाला है। यहाँ पे विराट कोहली जैसा आप देख सकते हो और इस साइड में सारा चीज लिखा गया है, क्या फीचर, क्या स्पेक्स वगैरह होने वाला है, ये सब तो मैं आपको खुद बताऊंगा, तो सारा चीज आपको वहीं पे पता चल जाएगा। तो बॉक्स को सबसे पहले यहाँ से इस प्लास्टिक को हटाते हैं। तो ये रहा स्मार्ट वॉच, इसे हम फिलहाल अभी साइड में रखते हैं एंड बॉक्स कंटेंट में देख लेते हैं और क्या क्या देखने मिलता है। तो यहाँ पे तो खाली है। ओके, ये मिल गया मैग्नेटिक चार्जिंग केबल, जैसा आप देख सकते हो कुछ इस तरह का है। बिल्ड क्वालिटी वगैरह ओवरऑल बोल सकते हैं ठीक है, ज़्यादा अच्छा तो नहीं लग रहा है केबल का क्वालिटी, फिर भी प्राइस के हिसाब से काफ़ी सही लग रहा है मुझे। यहाँ पे और क्या क्या है, यूजर मैनुअल एंड इसके बाद ये क्या है, एक कार्ड है। ओके, एक मेंबरशिप कार्ड है, इसे भी हमें कोई काम नहीं। रजिस्टर फॉर वारंटी, 1 साल का वारंटी मिलता है, जैसे आप प्रोडक्ट लेते हैं रजिस्टर कर लेना, वारंटी क्लेम कर सकते हैं आप। इसके बाद फ्री 3 मंथ्स म्यूजिक गाना का यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन दिया गया है। यार क्या क्या दिया गया है, G5 का सब्सक्रिप्शन। ओके, और तो कुछ नहीं है बॉक्स में, किसी किसी स्मार्ट वॉच में स्क्रीन गार्ड वगैरह भी दे दिया गया है। फिलहाल सभी को साइड में करते हैं। ओके, एंड फोकस करते हैं इस स्मार्ट वॉच पे। तो स्मार्ट वॉच कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। तो गाइस, जो स्मार्ट वॉच है फर्स्ट इंप्रेशन में काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सबसे पहले स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है, इसे हटा देते हैं। ओ, इसे आप चाहो तो नहीं भी हटा सकते हो, काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे 2 स्क्रीन गार्ड दिया गया, इसे आप चाहो तो नहीं भी हटा सकते हो अगर आपको स्क्रीन को प्रोटेक्शन चाहिए तो। ये एक्चुअल स्क्रीन गार्ड है जैसा आप देख सकते हो, इसे आप साइड में रख देते हैं, इसे आप चाहो तो बाद में लगा भी सकते हो। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बिल्ड एंड डिज़ाइन के ऊपर। तो यहाँ पे जो डिस्प्ले होने वाला है 1.3 इंच का होने वाला है, डिस्प्ले थोड़ा सा छोटा है जैसे आप देख सकते हो। ऊपर की तरफ का जो एरिया ये आपको काफ़ी बड़ा लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि छोटा सा डिस्प्ले है स्मार्ट वॉच में। और ये जो डायल है ये प्लास्टिक का है बट काफ़ी अच्छा क्वालिटी यहाँ पे दिया गया है। बैक साइड में सेंसर वगैरह के लिए सारा चीज़ है, 5 वोल्ट का ब्रांडिंग है, चार्जिंग पॉइंट है यहाँ पे। और इस स्ट्रैप को आप चेंज भी कर सकते हो, मार्केट से जो भी आपको स्ट्रैप लेना है आप ले सकते हो और लगा सकते हो। ये ब्लैक कलर का सिलिकन स्ट्रैप होने वाला है और यहाँ पर जो ये लॉकिंग सिस्टम ये सब काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिया गया है। तो बिल्ड क्वालिटी ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। डिज़ाइन का बात करें तो डिज़ाइन भी काफ़ी स्लिम रखा गया है, जैसा आप देख सकते हो डायल का डिज़ाइन, स्ट्रैप का डिज़ाइन जो है ये सब काफ़ी स्लिम रखा गया है। ऊपर की तरफ यहाँ पे साइड में एक बटन है, यहाँ पे आपको क्राउन बटन नहीं दिया गया, जस्ट बटन दे दिया गया है और तो कुछ है नहीं, लेकिन डिज़ाइन वगैरह काफ़ी अच्छा है। बिल्ड क्वालिटी एंड डिज़ाइन के मामले में बहुत ही सही है। इस स्मार्ट वॉच को सबसे पहले बूट अप करते हैं। फायरबोल्ट का ब्रांडिंग आ चुका है। ओ, यहाँ विराट कोहली आ रहे हैं सबसे पहले। तो जैसा आप देख सकते हो डिस्प्ले थोड़ा सा छोटा दिया गया, 1.3 इंच का HD डिस्प्ले है। डिस्प्ले ओवरऑल मुझे TFT से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, HD यहाँ पे लिखा गया है बट मतलब ज़्यादा अच्छा डिस्प्ले तो नहीं बोल सकते, फिर भी TFT के मुकाबले इसका जो डिस्प्ले होने वाला है ये काफ़ी सही लग रहा है मुझे। हाँ, थोड़ा सा छोटा भी आपको डिस्प्ले दिखेगा, 1.3 इंच का डिस्प्ले है इसके वजह से, लेकिन ऊपर की तरफ का जो एरिया है ये काफ़ी बड़ा दिया गया है। तो आप अपने रिस्ट पे इसे बांधते हो, जब आप इसे स्मार्ट वॉच को रिस्ट पे बांधोगे तो सच में बहुत ही कमाल का लग रहा है। जैसा आप देख सकते हो ऊपर की तरफ का जो डिस्प्ले है ये जब ऑन होगा तो छोटा लगेगा, ऐसे जब बंद रहेगा तो आपको बड़ा सा ही दिखने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो रबर है ये कुछ इस तरह का लॉकिंग सिस्टम है, 2-2 यहाँ पे दिया गया है, तो इस सब के मामले में काफ़ी अच्छा है। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले के ऊपर। डिस्प्ले इसमें जो दिया गया है 1.3 इंच का HD डिस्प्ले दिया गया है, जो कि आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का देखने को मिलने वाला है। अब जैसा देख सकते हो डिस्प्ले का जो रिस्पॉन्स वगैरह ये भी काफ़ी सही से काम कर रहा है। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो कुछ इस तरह से ब्राइटनेस लेवल वगैरह भी आप बढ़ा सकते हो, यहाँ 5 ब्राइटनेस लेवल दिया गया है जैसा आप देख सकते हो।
एंड टच रिस्पॉन्स जो है स्मार्ट वॉच का काफ़ी अच्छा है और बहुत ही सही तरीके से काम कर रहा है। तो डिस्प्ले वगैरह काफ़ी सही लग रहा है मुझे, 1.3 इंच का डिस्प्ले है, HD डिस्प्ले होने की वजह से अच्छा लग रहा है। तो अब बात कर लेते हैं इस स्मार्ट वॉच में जो वॉच UI दिया गया है इसके ऊपर। सबसे पहले जब आप ऊपर से नीचे की तरफ करते हो तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पे ब्राइटनेस आप कंट्रोल कर सकते हो, सेटिंग में जा सकते हो, वेदर अपडेट कर सकते हो, यहाँ पे थिएटर मोड भी दिया गया है। इसके बाद ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं, ब्राइटनेस थोड़ा कम हो गया है। यहाँ पे फ्लैश लाइट ऑन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे DND का भी मोड दिया गया है, साइलेंट वगैरह आप कर सकते हैं। तो ये हो गया जब आप ऊपर से नीचे की तरफ करते हो। जब नीचे से ऊपर की तरफ आप करोगे तो यहाँ पे स्टेप्स काउंट, स्लीप, हार्ट रेट, स्पोर्ट्स मोड, काउंटडाउन, SPO2, कैमरा, वेदर एंड इसके बाद ब्रीद, फ्लैश लाइट, सेटिंग, गेम। ओ वाओ, इसमें गेम भी दिया गया, आएंगे सारी चीज़ों पे। इसके बाद जब आप राइट स्वाइप करते हो तो यहाँ पे कुछ इस तरह का UI होने वाला है जैसा आप देख सकते हो। एंड जब आप लेफ्ट स्वाइप करते हो तो यहाँ पे स्टेप्स हो गया, स्लीप मॉनिटरिंग हो गया, हार्ट रेट हो गया। हार्ट रेट को जैसे ऊपर करेंगे तो यहाँ पे डेटा वगैरह भी शो कर रहा है, जैसा मैक्सिमम मिनिमम लाइट वगैरह यहाँ पे सारा चीज़ दिखाएगा एंड टाइम के साथ यहाँ पे सारा चीज़ डेटा वगैरह आपको दिखाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा है। और भी चीज़ देख लेते हैं इसमें क्या क्या है, तो और चीज़ें देख लेते हैं और क्या क्या है। तो स्पोर्ट्स मोड है जैसा आप देख सकते हो, ओपन न्यू वर्कआउट, यहाँ सारा चीज़ सेट कर सकते हैं। वेदर का है यहाँ पे एंड इसके बाद कैमरा हो गया, म्यूजिक हो गया एंड दैट्स इट। तो ये इसका UI है। UI का जो मुझे इंटरफेस लगा है काफ़ी सही लग रहा है। डिस्प्ले छोटा तो है बट UI काफ़ी अच्छा है, ऑप्टिमाइज किया गया है और टच रिस्पॉन्स भी काफ़ी सही है। तो स्मार्ट वॉच का जो UI है ओवरऑल बहुत ही सही है। तो गाइस अब बात करते हैं इसके ऐप UI जो इसमें दिया गया है, ऐप का जो इंटरफेस होने वाला है किस तरह का होने वाला है ये देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे ऐप इंस्टॉल करना है जो होने वाला है, दा फिट ऐप होने वाला है। इसे इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर में जाते हैं एंड प्ले स्टोर में आ गए। द फिट 1 करोड़ प्लस डाउनलोड्स है और 8.5 MB का ये एप्लीकेशन होने वाला है। तो इसे इंस्टॉल कर लेते हैं और फटाफट इसमें सेटअप कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ फाइनली मैं लगभग 2 से 3 मिनट लगा है, सारा चीज़ मैंने सेटअप कर लिया है, यहाँ पे ऐप इंस्टॉल कर लिया है और यहाँ पे स्मार्ट वॉच भी कनेक्ट हो चुका है। तो ऐप का जो इंटरफेस होने वाला है कुछ ऐसा होने वाला है। स्टेप्स काउंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके बाद स्लीप मॉनिटरिंग, हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन, आउटडोर रनिंग हो गया एंड इसके बाद यहाँ पे जब आप इस पर आओगे तो निंजा 2 कनेक्टेड आ रहा है, 48% बैटरी यहाँ पे दिखा रहा है। इसके बाद वॉच फेसेज है, नोटिफिकेशंस है, अलार्म, शटर यानी कि कैमरा है, जब कैमरा शटर बटन यूज कर सकते हैं, अपग्रेड वगैरह कर सकते हैं। अदर्स में आते हैं तो यहाँ पे क्या क्या, टाइम फॉर्मेट वगैरह आप चेंज कर सकते हो, 12 घंटे का रखना चाहते हो या 24 घंटे का रखना चाहते हो, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। और भी सारी चीज़ें जैसे आप देख सकते हो, क्यूक व्यू है, ड्रिंक वाटर रिमाइंडर है, हार्ट रेट वार्निंग है, वेदर, साइकोलॉजिकल साइकिल रिमाइंडर, सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे माई में आते हैं तो यहाँ मैंने गोल सेलेक्ट करके रखा है 7000 स्टेप्स। गूगल फिट से इसे आप सिंक कर सकते हैं। इसके बाद ओके यहाँ से हट गया है, सॉरी गाइस। ओके अब यहाँ पे जैसे वॉच फेसेस में आते हैं तो और भी सारा चीज़ आप देख सकते हो, इतना सारा है और भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे फाइंड वॉच फेस कर रहे हैं, बहुत सारा दिया गया है ऑलरेडी। एंड इसके बाद अलार्म्स वगैरह आप यहां से लगा सकते हैं, शटर हो गया, ये सारी चीज़ मैं आपको बता ही दिया हूं। तो ऐप इंटरफेस काफ़ी सही है, ऑप्टिमाइज किया गया है और सही दिख रहा है मुझे। तो गाइस अब बात करते हैं इस स्मार्ट वॉच के फीचर के ऊपर, और जो इस स्मार्ट वॉच में फीचर दिया गया है सच में बहुत ही कमाल का होने वाला है। तो गाइस इस स्मार्ट वॉच में जो फीचर दिया गया है, सबसे पहले सेंसर पे आते हैं। यहाँ पे आपको SPO2 हो गया, हार्ट रेट हो गया, स्टेप काउंट्स हो गया, इसका स्लीप मॉनिटरिंग वगैरह दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हार्ट रेट को हम चेक कर लेते हैं किस तरह से काम करता है। तो हार्ट रेट पे आगे यहाँ पे सबसे पहले मैं इसे सरफेस पे रख देता हूँ। अगर ये सरफेस पे मेजर कर रहा है तो नहीं कर रहा है जैसा आप देख सकते हैं, तो इसे आपको अपने रिस्ट पे ही बांधना पड़ेगा, देन जाकर ये काम करेगा। तो यहाँ पे हार्ट रेट वगैरह थोड़ा सा एक्यूरेट होने वाला है, ऐसे तो मेडिकल पर्पज़ के लिए आप इसका यूज नहीं कर सकते, फिर भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम किया है। इस तरह के प्राइस सेगमेंट में आई थिंक बहुत ही बड़ी बात है। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ मेजर कर रहा है, जैसा आप देख सकते हो 0 BPM है, अभी मेजर कर रहा है, थोड़ा सा समय लगे। तो गाइस यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं हार्ट रेट मेजर कर लिया है, 82 BPM यहाँ पे दिखा रहा है। और इसके बाद आते हैं इसमें जो दिया गया है SPO2, यहाँ पे एक बार ट्राई कर लेते हैं किस तरह से काम कर रहा है। SPO2 भी यहाँ पे मेजर कर रहा है, इसे भी मैं सरफेस पे रखा हूँ तो सरफेस पे काम नहीं कर रहा है, वॉच वियर प्रॉपरली आ रहा था। तो इसे आपको अपने रिस्ट पे ही बांधना पड़ेगा, ये एयर में या किसी सरफेस पे काम नहीं करता है। तो ये काफ़ी अच्छा है इस स्मार्ट वॉच का। तो चलिए थोड़ा सा समय लगेगा SPO2 मेजर करने के लिए, 96% आ रहा है, थोड़ा सा मेरा जो ऑक्सीजन लेवल है कम आ रहा है, फिर भी ठीक है। ये इसे आप मेडिकल पर्पज़ के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, जस्ट आप अपने
फिटनेस गोल में अगर आप इसका यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। थोड़ा सा समय लगता है एज कम्पेयर टू और वॉच का आप देखोगे तो इसमें ना SPO2 और हर्ट रेट में थोड़ा सा समय मुझे लगा है, ज़्यादा ले रहा था। ओके चलिए इसके बाद और देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। हार्ट रेट और SPO2 के बाद यहाँ पे स्टेप्स काउंट आप देख सकते हो। इसका स्लीप मॉनिटरिंग अभी मैं सोया नहीं हूँ तो यहाँ पे कुछ भी डेटा वगैरह शो नहीं कर रहा है। एंड इसके बाद स्पोर्ट्स मोड में इसमें आपको 30+ स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्किपिंग, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, स्विमिंग, क्लाइंबिंग, टेनिस, रबी, गोल्फ, योगा, जिम, डांसिंग, बेसबॉल, मतलब आपको 30 स्पोर्ट्स मोड यहाँ पे दिया गया है। काफ़ी सही, कबड्डी भी है गाइस। ओके तो यहाँ पे वेदर वगैरह भी आप देख सकते हो। इसके बाद क्या है, कैमरा सेटर बटन वगैरह है। अब इसमें आपको म्यूजिक कंट्रोल भी दिया गया है, तो म्यूजिक कंट्रोल के लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वीडियो प्ले करता हूँ सबसे पहले। तो गाइस यहाँ म्यूजिक कंट्रोल में आप म्यूजिक को पॉज और प्ले कर सकते हो, इसका नेक्स्ट एंड प्रीवियस कर सकते हो, वॉल्यूम को आप कम और ज़्यादा नहीं कर सकते हो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे। तो म्यूजिक को प्ले एंड पॉज करके देखते हैं सबसे पहले। रियल टाइम यहाँ पे आप देख सकते हो, कोई भी यहाँ पे लेटेंसी वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे हम प्ले कर रहे हैं प्ले हो रहा है, जैसे पॉज कर रहे हैं पॉज हो रहा है, नेक्स्ट करके देखते हैं नेक्स्ट हो रहा है जैसा आप देख सकते हो, और इसके बाद प्रीवियस करके देखते हैं तो प्रीवियस भी हो रहा है। तो म्यूजिक कंट्रोल काफ़ी सही तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। अब इसमें कैमरा शटर बटन जो है ये थोड़ा सा मुझे अलग लगा है, ऐसे मैं अभी तक जितना भी स्मार्ट वॉच का रिव्यू किया हूँ इसमें मुझे सेम ही देखने को मिल रहा है। जैसे कैमरा शटर बटन में आपको सेम इसी का जो कैमरा यहाँ पे दिया गया है इसी का आप यूज कर सकते हो, जैसा आप देख सकते हैं 3 2 1। तो ये जो पिक्चर क्लिक हुआ है इसके ही जो ऐप है इसी का जो कैमरा यही यूज हुआ है। यहाँ पे मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरा स्मार्टफोन का कैमरा है इसे मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, जैसा आप देख सकते हो ये कोई भी काम नहीं कर रहा है। तो ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है, बट अभी तक जितना भी स्मार्ट वॉच का मैं रिव्यू किया हूँ उसमें जो ऐप में जो आपको कैमरा देखने को मिलता है इसी का ही आप यूज कर सकते हो। इसमें आपको नोटिफिकेशन सभी तरह का देखने को मिल जाता है, तो एक बार इस पर कॉल करते हैं एंड मैसेज करके देखते हैं किस तरह से कॉल और मैसेज आता है। ओके तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मैसेज किस तरह से आ रहा है, हाउ आर यू रोहित भैया मैसेज किया, और इमोजी सपोर्ट नहीं करता है, जस्ट इमोजी यहाँ पे लिख कर आ जा रहा है। अब एक कॉल करके देख लेते हैं किस तरह से कॉल आता है। तो गाइस यहाँ पे कॉल इस तरह से आ रहा है, कॉल रिजेक्ट का ऑप्शन है और ये क्या है, ये डायरेक्ट म्यूट हो गया है कॉल। तो गाइस यहाँ पे आप कॉल रिसीव नहीं कर सकते, जस्ट आप यहाँ पे रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक ड्रॉबैक बोल सकते हैं, बट यार 2000 के भी जो स्मार्ट वॉच आते हैं इसमें भी सेम यही इशू मुझे देखने को मिला है, तो ये थोड़ा सा मुझे भी इसमें कमी लग रहा है। ये चीज़ होना चाहिए, कॉल जब आप रिजेक्ट कर सकते हो तो रिसीव करने का भी ऑप्शन होना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे जो नेक्स्ट फीचर होने वाला है इस स्मार्ट वॉच में वो IP68 होने वाला है, तो आप इसे रेनिंग हो गया हेवी रेनफॉल में भी आप आराम से यूज कर सकते हो, इसके बाद स्विमिंग करते समय आराम से यूज कर सकते हो। IP68 दिया गया है तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, जितना ही बारिश हो रहा है आराम से यूज करो स्मार्ट वॉच को, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो गाइस इस स्मार्ट वॉच में आपको गेम भी देखने को मिलता है, जो कि दो गेम होने वाला है, एक 2048 है और एक है यंग बर्ड। तो यंग बर्ड जो है बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, चलिए प्ले करते हैं। ओके जस्ट टैप कर करके ऊपर जाना है एंड मैं यहाँ पे गेम प्ले कर रहा हूँ। वाह बहुत ही मज़ा आ रहा है, ये एक स्कोर एटलीस्ट 1 तो हो जाना चाहिए, गेम ओवर। तो ये था, और 2048 एक पजल गेम है जिसमें दिमाग का यूज करना पड़ेगा, तो इसमें आपको दो गेम भी देखने को मिल जाता है। तो फाइनली गाइस अब आते हैं इस स्मार्ट वॉच के बैटरी लाइफ के ऊपर। तो इस स्मार्ट वॉच में जैसे कंपनी क्लेम करती है कि आपको अप टू 7 डेज का बैटरी देखने को मिल जाएगा, तो जैसा मैं यूज किया हूँ इस हिसाब से अगर आप इसे लाइट यूज करते हो यानी सिर्फ टाइम वगैरह देखते हो तो आपको इजीली 4 to 5 डेज बैटरी देखने को मिल जाएगा। अगर आप हेवी यूज करते हो यानी कि सारा चीज़ यूज करते हो, सेंसर हो गया, अपना वॉलपेपर वगैरह चेंज करते हो, ये सारा चीज़ अगर आप करते हो तो यहाँ पे बैटरी आपको 1 to 2 डेज ही देखने को मिलेगा। गाइस एक चीज़ मुझसे यहाँ पे जब मैं दिखा रहा था आपको तो एक चीज़ मिस्टेक हो गया है फीचर में, आपको एक चीज़ नहीं बताया हूँ, इसमें आपको कस्टम वॉलपेपर भी देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आप कस्टम वॉलपेपर भी सेट कर सकते हो। मल्टी वॉच फेसेस तो दिया गया ही है बट इसमें आपको अपना वॉलपेपर जो सेट करना होता है, अपना फेस दिखाना होता है, इसमें दिखा सकते हैं। ओके गाइस तो चलिए गाइस फाइनली आते हैं आप मेरे ओपिनियन के ऊपर कि ये जो स्मार्ट वॉच है 1600 रुपये में आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले ड्रॉबैक का बात करते हैं, तो बस एक ही ड्रॉबैक मुझे इसमें लगा है, ये है जब कॉल किसी का आता है तो आप रिसीव नहीं कर सकते, जस्ट रिजेक्ट कर सकते हो, ये इसका ड्रॉबैक है। तो गाइस अब आते हैं इसके प्रोज के ऊपर। तो इस स्मार्ट वॉच में सबसे पहले आपको SPO2 और हार्ट रेट जो दिया गया है ये सरफेस पे काम नहीं करता है, इसे आप अपने रिस्ट पे ही बांधोगे तभी जाकर काम करेगा, तो ये इसका फर्स्ट एडवांटेज है। सेकेंड इसमें जो है आई
IP68 दिया गया है, तो आराम से आप, हेवी रेनफॉल भी हो रहा है वहाँ पर इसे पहन सकते हो, और आप स्विमिंग वगैरह भी करते हो तो आप आराम से इसका यूज़ कर पाओगे। कस्टम वॉलपेपर भी आप सेट कर सकते हो, तो ये भी एडवांटेज है, आराम से अपना फेस वगैरह का वॉलपेपर लगाओ। इसका बैटरी का बात करें तो बैटरी भी डिसेंट सा दिया गया है, अप टू 7 डेज है, तो नॉर्मल यूज़ करते हो तो आपको इजिली 4 से 5 दिन का बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा आपको लगेगा यार कम है, लेकिन फिर भी ठीक है यार, प्राइस के हिसाब से काफ़ी सही है। तो गाइस इस स्मार्ट वॉच का जो नेक्स्ट एडवांटेज है, इसका जो बिल्ड क्वालिटी है और जो डिजाइन है ये काफ़ी स्लिम रखा गया है, और डिस्प्ले क्वालिटी भी काफ़ी सही है, HD क्वालिटी दिया गया है जो कि TFT से काफ़ी बेटर मुझे दिखा है। तो ये सारा एडवांटेज को देखते हुए एक यहाँ पे ड्रॉबैक था बस, बाकी बात जो भी है बहुत ही सही है, इसे आप ले सकते हो। 1600 रुपये में बेस्ट डील है, ये फायरबोल्ट की तरफ से जो निंजा 2 आता है इसे आप ले सकते हो। अगर आपका बजट 1500 से 1600 के बीच में है तो डेफिनेटली ये स्मार्ट वॉच आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। तो आई होप गाइस आपका सारा यहाँ पे डाउट सारा चीज़ मैं क्लियर कर दिया हूँ, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। माइंड में कोई क्वेश्चन है इस स्मार्ट वॉच के रिगार्डिंग तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, और इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप आ सके। मिलते हैं फिर से इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय।